बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्ट्रेजा। सो अगर मैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताऊं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी बच्चों कि आज हम क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस के बारे में जानने वाले हैं। और ऐसा हम कब जानते हैं? जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। सो, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एडजेक्टिव जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस में जो मौजूद नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उनकी सिचुएशन बताते हैं। ओके, तो ये था हमारा एडजेक्टिव। एंड अब हम एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एंड उनका हिंदी भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला एडजेक्टिव है बच्चों ओल्ड। ओल्ड का मतलब तो पुराना भी होता है, एंड जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए भी हम ओल्ड वर्ड ही यूज़ करते हैं। यंग, यंग जो है हम लोग जवान लोगों को कहते हैं, जो लोग यंग होते हैं 19-20 ऐसे एजेस के लोग होते हैं उनको हम यंग कहते हैं। एंड यंग हम छोटे बच्चों के मीनिंग को लेकर भी यूज़ करते हैं। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग, जिनकी मसल्स पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा है, तो हम वैसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। फिर है वीक, जो कि बाय फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले से होते हैं, तो उनको हम वीक कहेंगे, कमज़ोर। इसके बाद है अगली। अगली कहते हैं जो बच्चे अच्छे से नहीं रहते, अपनी साफ़ सफाई नहीं करते, अपने हेयर को कॉम नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, उनको हम अगली कहते हैं। यानी कि जो अच्छे नहीं दिखते वो बुरे दिखते हैं, उनको अगली कहेंगे। इसके बाद है प्रिटी, यानी कि वो बच्चे जो कि बहुत ही अच्छे से अपने को ड्रेस्ड किए रहते हैं, अपने बालों को अच्छे से रखते हैं, एंड इसके बाद अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए हम प्रिटी वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद है ब्रेव, यानी कि वो बच्चे जो डरते नहीं है एग्ज़ाम से, अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं एंड रिजल्ट से भी डरते नहीं हैं, क्योंकि दे आर नोइंग दैट दे हैव स्टडीड वेरी वेरी गुड, सो वाई शुड दे फील फियर। ओके, नाउ स्कैर्ड, यानी कि डरा हुआ, यानी कि वो बच्चे जो ना तो एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हैं और ना अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए जब रिजल्ट का टाइम आता है सो दे फील वेरी स्कैर्ड, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं। अगर कोई डरा दे हाँ तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वो बिना बात के भी डर सकता है। इसके बाद है फनी, आपने सर्कस में देखा होगा कि जो भी जोकर होते हैं, टेडी बियर्स होते हैं, लायन होते हैं, वो सारे बहुत ही ज़्यादा फनी होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं उनको देख के तो हंसी निकल जाती है। सो फनी यानी कि मज़ेदार। इसके बाद है बच्चों बोरिंग, अगर आपकी बहुत ही लंबी छुट्टी चल रही है एंड आप अपने घर में यूं ही बस बैठे हैं, तो उस समय आई एम श्योर आपको बोर फील होता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते होंगे आप। इसके बाद है स्पोर्टिव, अच्छा यानी कि वैसे बच्चे जिनको हमेशा अगर आप आधी रात में बोलोगे ना कि चलो उठो उठो चलो 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 खेलने चलते हैं, तो वो मतलब फ्रिक्वेंटली रेडी हो जाएंगे एंड बोलेंगे चलो चलो चलो। ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि अरे यार अभी तो मैं सो रहा था, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आता है। जो खेलने के लिए मतलब
एकदम हमेशा रेडी होते हैं. स्पोर्टिव, लेजी. अब जो बच्चे ना पढ़ाई करेंगे, ना होमवर्क करेंगे एंड ना घर पे किसी की हेल्प करेंगे काम करने में, तो वो तो लेज़ी फील करेंगे ही ना, उनको आलस तो आएगा ही. अब वो बोली नहीं मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं नहीं उठने वाला, प्लीज़ मुझे ये काम मत बोलो, ऐसे ना लेज़ी लोग ही कहते हैं. फिर है फ्रेंडली. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो तो ये एडजेक्टिव आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो. मीन्स आप अपने फ्रेंड से बहुत ही अच्छा रिलेशन रखते हो. फिर है रूड. ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हरकतों की वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं एंड हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार की बात करते हैं. सो ये उनके लिए रूड. इसके बाद है हैप्पी. यस, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, वो खुश हो जाते हैं. इसके बाद है सैड. अगर आप किसी काम को कर रहे हो एंड वो नहीं हो पा रहा है, सो आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं. फिर है ट्रेंडी. ट्रेंडी जो एडजेक्टिव है वो ज़्यादातर हमारे जो आउटलुक होता है, मीन्स हमारे जो ड्रेसअप होता है, हमारा हेयर होता है, जो भी, सो उनके लिए यूज़ किया जाता है ट्रेंडी. अगर कोई इंसान है एंड वो बहुत ही ज़्यादा नए नए कपड़े, जूते, यू नो, गॉगल्स, वॉचेस वगैरह पहने हुए है, तो हम उनको, उनके लिए ट्रेंडी वर्ड यूज़ होता है. इसके बाद है बच्चों वाइज, मतलब बुद्धिमान, जैसे कि आपके टीचर्स होते हैं एंड वो छटके से आपका चेहरा देख के बता देते हैं कि आपने होमवर्क किया है या नहीं. सो वाइज यानी बुद्धिमान. इसके बाद है फूल, मतलब स्टूपिड टाइप, जिनको जल्दी कोई बात समझ नहीं आती है एंड उसको कितना भी समझाओ वो घूम फिर के वही काम करेंगे. सो फूल, स्टूपिड, मूर्ख. इसके बाद है पोलाइट. आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि जो नर्सरी किंडरगार्टन के जो टीचर्स होते हैं वो छोटे बच्चों के लेके बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं. सो ऐसा क्यों होता है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ उनकी इस पोलाइटनेस को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे प्यार से बात करते हैं. सो पोलाइट. तो बच्चों ये था एडजेक्टिव्स, ये थे हमारे एडजेक्टिव्स. सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो. जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स दिए तो समझ तो आ ही जाना चाहिए. तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद.